नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग आज़ाद हैं, बट आज़ादी तो हम लोगों को मिलेगी पूरी जब हम सब लोग अपने थॉट से आज़ाद हो जाएं। ब्लॉकेजेस हैं जो अंदर बहुत सारे, एक तो डेफिनेटली सफाई से, दूसरा ये कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें, तीसरा है कि भारत गरीब देश नहीं है, चौथा है कि हम लोग गरीब नहीं हैं, भले घर मिट्टी का हो लेकिन हम लोग गरीब जैसे गरीब नहीं है। ये थॉट को बड़े पॉजिटिव करना है, हम लोगों को नेगेटिविटी से आज़ादी चाहिए, गलत चीज़ों से, फेयर से आज़ादी चाहिए, एंड वी हैव टू थिंक कि वी कैन डू इट, लाइक अमेरिका कैन डू इट, सिंगापुर कैन डू इट, और हांगकॉन्ग कैन, एनी अदर ब्रिटेन, एनी अदर कंट्री, हम लोग जब विजिट करते हैं, शूटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ देख के ऐसा मुँह खोल के उस कंट्री को देखते रहते हैं। बट मैंने अपने देश को बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत इंटीरियर में शूट किया, अलग अलग मौसम में शूट किया, मैंने मेरे देश को बहुत सुंदर पाया। मैं चाहूँगा मेरे देश का टूरिज़्म बहुत बढ़े, यहाँ पर इस लोग जो बाहर जाके पैसे फूकते हैं, इसी देश में वो पैसा घूमे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज़ादी हमारे थॉट से हमको चाहिए, हमारे विचारों से हमको आज़ादी मिलेगी तो हम लोग बहुत रॉक करेंगे। बहुत किलर कंट्री है ये, और बहुत किलर टाइप के लोग हैं हम लोग, हम लोगों को मतलब सेल्फ मेड लोग हैं हम लोग तुरंत बन जाते हैं, यू नो वी आर डेंजरस पीपल, इंडियंस आर फैंटास्टिक फाइटर्स। तो मैं इस देश में सिर्फ पॉजिटिविटी पा रहा हूँ, धर्म है, पूजा है, अध्यात्म है, संस्कार है, भगवानों की धरती है ये, ईश्वरों की धरती है, सारी शक्तियाँ हैं, कमी किसी बात की नहीं है, फसल है हमारे पास, क्या नहीं है, तीन मौसम हैं जहाँ अब्रॉड में नहीं मिलते, हमारे पास सब सारे मिनरल्स हैं, क्या नहीं है इस देश में, बस अभी हमको एकजुट होकर सबको 125 करोड़ को, और अभी बच्चे कम पैदा करना, मैंने भी कम कर दिया, पहले मेरे 4 थे, मैंने रोक दिए अभी, सो सब लोगों को बच्चे कम पैदा करना है, सो विल रॉक। आपके हिसाब से स्वच्छता और पॉल्यूशन और जो थॉट जो हमारे इंडियन का है वो सुधर जाना चाहिए। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने स्वच्छता अभियान का एक वीडियो लॉन्च हुआ था, उसमें भी आप फीचर हुए। Yes. तो आपको क्या लगता है कि इस वीडियो से आप कितनी उम्मीदें करते हैं? बहुत बहुत रॉक करेगा। देखिए बहुत हमारी फिल्मों से लोग, हम जैसे मैं अमित जी की फिल्मों से मैंने बहुत कुछ सीखा बचपन में, पढ़ाई करता रहा, पापा पुजारी रहे, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन साहब की, सलीम जावेद साहब के डायलॉग्स से मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन्स लिए। नोइंगली अनोइंगली हम लोग सिनेमा को भी अपना एक टीचर बना लेते हैं। सो इस तरह से ये ऐड का असर मैं बहुत पूरे देश में देख रहा हूँ, और बहुत अच्छा असर जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, बहुत सारे लोग इसको जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिट्वीट किया कि उनको इस फैंटास्टिक, ये बहुत इंटरटेनिंग और बहुत ही ऑनेस्टली उनको बहुत डिफरेंट लगा। जब पीएम साहब ने इसको लाइक किया तो ये ऐड, और हम लोगों ने बहुत कम समय में बनाया, हार्डली इन 6-7 आवर्स वी फिनिश्ड दिस, राइट, 7 आवर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मतलब इतने मोस्टली क्विक टाइम में वी प्लान्ड वेरी वेल। और हम कहीं आई वाज शूटिंग फॉर तेलुगु फिल्म, हम वहाँ से फ्लाई डाउन करके इसको शूट किया और हम वापस चले गए। तो सब ने, कंगना जी हों, प्रदीप सरकार दादा हों, अमित जी हों, जितने भी कलाकार और भी हैं, सब ने इसको, मुझे लगता है सब निःशुल्क रहे, बिल्कुल हाँ, सारे लोग निःशुल्क थे, हम भी निःशुल्क थे, हमने एक पैसा इस फीस नहीं ली, अपने देश के प्रति, प्राइम मिनिस्टर साहब के थॉट के प्रति हम, मैं चाहूँगा कि हमको लौटाना भी इस देश को, टैक्स तो पे करके लौटा ही रहे लेकिन दूसरी भी चीज़ों से लौटाना है। जैसे कि आपने जो वीडियो जो बनाया गया उसमें काफ़ी दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी भी जताई, क्योंकि इसमें उनको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को ज़्यादा इसके अंदर शो किया है। नहीं नहीं, नहीं टची देखो, टची है कि साफ सफाई रखो, लक्ष्मी जी चली जाती हैं, जो कि बचपन से हमारे को पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी सब बताते हैं, हमारे पुरखे बताते हैं घर में कि क्लिनलीनेस से गंदगी रहती है, वहाँ शैतान आता, शैतानों का वास होता है जहाँ गंदगी रहती है, साफ सफाई रखना, लक्ष्मी जी चली जाती हैं। दिवाली में इसलिए घर पोछते धोते हैं, पेंट करते हैं, वाई, बिकॉज कि लक्ष्मी जी आएँ और वो वहाँ बसें, नहीं नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, वो रुकती नहीं, उनको रोकना पड़ता है, उनके पैरों को बांधना पड़ता है, साफ़ सफाई से, पूजा पाठ से, धुआं धूप बत्ती से, ये हमारे वेदों पुराणों में यू नो उसी को विजुअली दर्शाया गया है, सो देर इज़ नथिंग। हमने उनको बहुत सम्मान देवी का, मैं हम लोग गलती नहीं करते, पता चला हम ही को फिल्में मिलना बंद हो जाए तो गलत, अपमान तो कोई कर ही नहीं सकता लक्ष्मी जी का। आप क्या कहेंगे? मैंने देखो बिल्कुल थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी का कोई कारण ही नहीं है, लक्ष्मी जी एक स्वरूप है, आप उसको एक अलग एंगल पे लेके जा रहे हैं इस कंट्रोवर्सी का सोच लेके,
लक्ष्मी जी आज किस घर में नहीं चाहिए, उस लक्ष्मी जी का वास किसको नहीं चाहिए, आप हिंदू बोलें, मुसलमान बोलें, सिख बोलें, ईसाई बोलें, सबको लक्ष्मी जी का वास चाहिए। हमने वही उसमें कोशिश की पिक्चराइज करने की। अभी उस जब उस मॉड्यूल को आप बनाते हो, मैं अब उसमें अलग अलग देवी देवताओं को तो नहीं बैठा सकता हूँ, बेसिकली थॉट था लक्ष्मी माँ। अब लक्ष्मी माँ मतलब वो माँ जो सबको पैसे देती हैं, तो उसका एक अलग एंगल लेना कि भाई हमने किसी एक पर्टिकुलर एक मज़हब को लेके किया है, ना ऐसा बिल्कुल नहीं था। रवि जी ने भी उस पर क्लियर कहा आपसे कि देखिए लक्ष्मी माँ का वास हर किसी को प्यारा है। लक्ष्मी माँ इतनी चंचल हैं कि अगर सफाई नहीं रखी जाए, एक थॉट है वो, जैसे हमारे पूर्वजों ने भी बड़ों ने जैसे अभी रवि भाई साहब ने भी कहा, यही सिखाया हमको और आज तक सीखते आ रहे हैं हम, वही चीज़ चली आ रही है। डेफिनेटली ये हर मज़हब में है, तो इसको इस चीज़ से ना जोड़ें कि एक पर्टिकुलर एक कौम के लिए बनाई गई है, ये एक आम हिंदुस्तानी के लिए है, अवाम के लिए है, किसी पर्टिकुलर एक कौम के लिए नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि असली फीलिंग आनी चाहिए स्वच्छता को लेकर? चलो लक्ष्मी आएगी तभी साफ सफाई रखें। देखिए ये कहना आपका दुरुस्त है। आज इस मुहिम को आज मोदी जी कब से बात कर रहे हैं, तो हमने बोला इसको एक अलग थोड़ा सा एक ट्विस्ट दें, लोगों को जोड़ें। जैसा रवि भाई साहब ने कहा, बॉलीवुड एक माध्यम है लोगों के साथ जुड़ने का, लाइकवाइज भगवान, इंसान भगवान से पक्का डरता है, और किसी की भाषा नहीं समझता भगवान से, रवि भाई साहब। ट्रू ट्रू। तो वो एक थॉट था कि इसको हम इसको एक कल्टीवेट करें, एक पिक्चराइज करें, इस वजह से इसको इस तरीके से आगे लिया गया कि थोड़ा सा एक खौफ पैदा करें एक आम आदमी में कि भाई सफाई रखो, घर में नहीं, आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में, पूरे देश में, इस तरीके से इसको सोचा जाए। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप चाहते हैं कि? मैं देखिए, मैं सिनेमा वाला हूँ, 400 फिल्में की हमें सिनेमा की भाषा ही जानता हूँ मैं। सिनेमा में अपनी होम प्रोडक्शन भी होती है, मैं फिल्में खुद बनाता भी हूँ, तो मैं उसमें इसके थॉट्स को भी ज़रूर डालूंगा। मुझे थॉट बहुत पसंद आया, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये थॉट मुझे बहुत टच किया, बिकॉज़ मैंने गंदगी बहुत गंगा जी में बहुत देखी। मैं गंगा जी में, मैं स्विमिंग वहीं सीखा हूँ, गंगा जी में तैर के, सो आई हैव सीन लॉट। इंटीरियर्स भी मैं गंदगी के कारण जानता हूँ, शौचालय भी देखा है, तो मैंने देहात को बहुत करीब से देखा है, यू नो, गाँव गाँव, बिकॉज आई हैव शॉट लॉट ऑफ फिल्म्स, यू नो, इनसाइड इंटीरियर ऑफ एंटायर नॉर्थ, तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़रूरी है। आप 1% भी इफेक्ट करते हैं, अगर कुछ लोगों को भी हम बदल देते हैं, तो आपका हमारा प्रयास, हम लोग सफल होते हैं। देश विल ऑल्सो टेक टाइम। पहले लोग तुरंत ऐसे फेंकते थे, अब मैं गाड़ियों में कचरा फेंकते हुए नहीं जाता, पहले हम भी शायद बिस्लरी का बॉटल फेंक देते थे, अब वो थॉट नहीं जाता, वो उसको हम रखे रहते हैं। नेचुरली कोई बोलने लगता है तो इट डज इफेक्ट, हैमर्स यू, और आप उसमें धीरे धीरे, और मुझे लगता है देश बहुत बड़ा है, बहुत कम जल्दी समय में हम लोग सफाई इस अभियान में भी सफल हो जाएंगे, फिर कोई नया अटैक रहेगा, जहाँ से इस देश को बहुत स्ट्रांग करना ज़रूरी है, हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, यू नो। रवि जी आप काफ़ी पॉपुलर है, आप अपनी फिल्मों के जरिए से, आपने ये वीडियो में आपने एक इनिशिएटिव लिया, आने वाले समय में अपनी फिल्मों के जरिए इस मैं इसको डेफिनेटली डायलॉग्स में भी बोलूँगा, हीरोइन को भी बोलूँगा, या कहीं हीरोइन से बुलवाऊँगा कि मैंने नहीं नहाया, तो कभी मैंने सफाई नहीं किया, मैंने कुछ कचरा फेंक दिया, कहीं केले के छिलके पे हीरोइन को फिसलवा दूंगा और वहाँ वो डायलॉग बोल देगी कि तुम सुधरे नहीं तुम, यू नो, बहुत हज़ारों थाट हैं, हम बैठे बैठे बना सकते हैं, वही काम है हमारा। सो यस, आई विल कंटिन्यू दिस, बट ये नहीं कि इस एड के साथ ये मेरा प्रयास रुक जाएगा। हमने ये जो शुरुआत की, भाई साहब ने की है, या पीएम साहब ने जो बोला है, विल कंटिन्यू अपने अपने दौर से। द फैक्ट इज, देखिए मोदी जी जिक्र करते आए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ, इसमें टारगेट यूथ को करना है। यूथ टुडे इज़ अ पावर हाउस। आज 65-70% ऑफ द पॉपुलेशन इज विद द यंग इंडिया, और आप उनको एजुकेट करो प्रॉपरली, तो दिस कंट्री विल शाइन लाइक एनीथिंग, और वही फोकस है। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण है, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं लगे आपको, मेरा अपना बेटा जो 15 साल का है, वो मुझे एजुकेशन क्लासेस दे रहा है सफाई के ऊपर। तो ये एक दौर है, आने वाले दिनों में आप पक्का देखेंगे कि विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स टू कम, जो आज हम
थ्रू आउट द वर्ल्ड देखते हैं जो सफाई कितनी देखते हैं, शायद लोग हिंदुस्तान की बात करेंगे कि यार सफाई देखनी तो हिंदुस्तान में जाके देखो। ओके, एक आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, रॉक जय हिंद, आई लव माई कंट्री। थैंक यू सो मच।